सो हे व्हाट्सअप गेमर, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। और इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के अंदर एक ऑटोमेटिक डोर। ठीक है, अब देखो बात करते हैं कैसे। अब यार आपने ऑटोमेटिक डोर की वीडियो तो देख रखी होगी बहुत सारी, लेकिन यार आपने मोस्ट ऑफ द वीडियो में देखा होगा कि ऑटोमेटिक डोर आपका ना एक साइड से ही वर्क करता है। मतलब आप जो बाहर की जो एंट्रेंस होती है ना, मेन एंट्रेंस, मतलब जिससे आप इंटर करते हो, वो तो आप मस्त आपकी वर्क कर जाती है। लेकिन जब आप अंदर घुसने के बाद जब इधर से जब फिर अंदर से अगर आप बाहर निकलना चाहते हो ना, जैसे मान लो ये भी मैं घर के अंदर आ गया हूँ, लेकिन जब मैं बाहर निकलना चाहूँगा, देखो अभी तो ये वर्क कर रहा है क्योंकि ये अपना वाला गेट है, तो ये तो काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा। लेकिन अगर आप दूसरे बार, मतलब मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपने वर्ल्ड क्या सॉरी वो मोस्ट ऑफ द गेट जो आपने देखे होंगे वो सिर्फ एक साइड से ही वर्क करते हैं। लेकिन यार इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसा एक गेट बताऊंगा बहुत ही ओपी। अब देखो ये जो डिज़ाइन है ना इस घर की, ये मतलब मैंने ऐसी बना दी थी, ऐसी एक मस्त डिज़ाइन डोर की वीडियो बनानी थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ भी डिज़ाइन दे देते हैं। मतलब अब आप कुछ भी डिज़ाइन दे सकते हो आपके हिसाब से। और मैंने यहाँ पे ब्रिक्स वाला है, मतलब जो क्यूब है वो यूज़ कर रखे, ये जितने भी है ना, आप यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हो आपको डिज़ाइन अच्छी। देखो अब मैंने दरवाज़ा भी यहाँ पे ईंट वाला यूज़ कर रखा है, ब्रिक्स वाला। आप चाहो तो यहाँ पे कांच वाला लगा सकते हो, लेकिन यार वो कांच वाला डोर मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। मतलब थोड़ा वियर्ड सा फीलिंग आती है क्योंकि कांच के अंदर से वो जो पिस्टन रहते हैं वो दिखते रहते हैं। अब देखो चलो बात करते हैं। अभी मैं सर्वाइवल में बना रहा हूँ और माइनक्राफ्ट के पॉकेट एडिशन में ही बना रहा हूँ, तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें तो चल जाती है पॉकेट एडिशन में, इसकी टेंशन ना लेना चाहिए आपको। सो गाइस देखो यार इस वाले ये जो गेट है, देखो ये जो इतना बड़ा जो गेट दिख रहा है आपका जॉइंट गेट, इसको बनाने के लिए आपको कुछ क्या चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए। देखो मैंने जो जो भी चीज़ें चाहिए थी वो मैंने अपने चेस्ट के अंदर मतलब रख रखी है। तो आपको चाहिएंगे सबसे पहले तो रेड स्टोन रिपीटर लगेगा आपको। आपको कोई सा भी एक क्यूब ले लेना है जो जिसे आप इनिशियली डिज़ाइन देना चाहते हो, या फिर आपने जो भी घर वर बना रखा हो उससे मिलता जुलता कोई भी ले सकते हो। आप चाहो तो दरवाज़ा अगर कांच का बनाना चाहते हो तो आप कांच भी ले सकते हो, यानी कि ग्लास भी ले सकते हो। आपको चाहिए रेड स्टोन टॉर्च, उसके बाद एक हुक चाहिएगा आपको, ट्रिप वायर हुक। उसके बाद आपको रेड स्टोन डस्ट चाहिएगी, एक स्ट्रिंग चाहिएगी और कुछ स्टिकी पिस्टन चाहिएंगे। अब यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ले रखा है, तो आपका ये मतलब नहीं कि आपको भी इतनी क्वांटिटी में लेना है, ये जस्ट मैंने ले रखा है इसीलिए क्योंकि मैंने क्रिएटिव मोड में से उठाया, सीधी बात इसी है। तो डेट्स वा ये भैया ऐसे दिख रहे हैं। तो अब देखो ये गेट तो बना हुआ, और मैं आपको एक बार गेट के मतलब गेट को कैसे वर्क कर रहा है ये बता देता हूँ। और ये देखो एक घोड़ा यहाँ पे आ गया, तो खुल गया गेट। हट भाई यहाँ से, हट हट हट, तो इसको इससे मारते हैं ले बैठने का। तो देखो मैं इस मेन एंट्रेंस से जैसे ही घुसूँगा, ठीक है, तो ये गेट खुल गया। ओ भाई ये क्या हुआ, रुको देखो थोड़ा मैं स्पीड में नहीं दौड़ पा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये देखो ये मैं घुस गया गेट के अंदर, और जैसे ही मैं अंदर से बाहर निकलना चाहता हूँ तो भैया ये भी हो जाएगा बहुत आसानी बहुत प्यार से होगा। लेकिन पता नहीं अभी मैं इस गेम के अंदर काफ़ी तेज़ स्पीड में भाग नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, बट हाँ यही है। तो चलो यार अपन गेट बनाना मतलब मस्त वाला स्टार्ट करते हैं। तो देखो मान लो अब अपन लेते हैं क्यूब, जैसे मैंने 64 क्यूब्स ले रखे, तो आपको क्या करना है, अपन एक जगह ढूंढते हैं जहाँ पे अपन ये गेट बनाएंगे मस्त वाला। तो ये जगह थोड़ी सी साफ़ कर देता हूँ मैं, बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे गेट बनाने में। तो आपको क्या करना है, सिंपली बहुत सिंपल वर्क है। आपको सबसे पहले स्टिकी पिस्टन लेने हैं आपको किसी भी साइड में, देखो मतलब आपको स्टिकी पिस्टन कुछ इस जगह पे ऐसी जगह पे लगाना है। जैसे मान लो ये जो साइड है ना, ये वाला एरिया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस एरिया में मान लो आपका घर है, तो आपके घर का जो मेन एंट्रेंस है ना उस जगह, इस हिसाब से मतलब आपको स्टिकी पिस्टन लगाना है। और आपको एक्चुअली तीन लगाने पड़ेंगे, तो एक और आप कूद के लगा सकते हो इस तरीके से। और यहाँ बीच में आपको कितनी गैप छोड़नी है, ठीक है, तो 1 2, ओ चलो अपन ब्लॉक लगा के देख लेते हैं, ऐसे अपने को पता चलेगा नहीं क्योंकि मैंने इतनी काउंटिंग नहीं कर रखी है। तो आपको यहाँ पे देखो अब मैं डोर भी इसी टाइप का बना रहा हूँ, ठीक है, जो व्हाइट कलर का है ना ये काफ़ी प्यारा लगेगा डोर, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ। अब देखो वैसे तो डोर दो डोर का ही मतलब काफ़ी होता है, मतलब ये जो दो ब्लॉक होता है ना, दो ब्लॉक का डोर काफ़ी होता है क्योंकि आप निकल पाते हो इजीली। लेकिन अगर आपको थोड़ा फैंसी सा बनाना है गेट जो आपका बड़ा दिखे अच्छा खासा, मतलब ए सिंपल एज डेट अगर कहा जाए आपको, आपने मतलब कासल वासल बना रखा हो आपने, या फिर एक अच्छा सा घर बना रखा हो बहुत बड़ा, उसके लिए अगर आपको गेट बनाना हो तो मेरी मानो तो तीन ब्लॉक का गेट बनाना काफ़ी प्यारा लगता है ये। अब आपको क्या करना है, फिर से स्टिकी पिस्टन ले लेने, ठीक है, और 1 ब्लॉक छोड़ देना है आपको, ठीक है, 1 2 3 ब्लॉक छोड़ देने, और 3 ब्लॉक छोड़ने के बाद इस जगह लगाना इसको ऐसा ऐसा और ऐसा, ये देखो बहुत ही ओपी, ठीक है। फिर से आपको लेना है अपना ब्रिक्स, और ब्रिक्स देखो मैं वाइट यूज़ कर रहा हूँ ये, ठीक है, आप अब इसका नाम क्या है एक बार बता देता हूँ मैं, क्वार्ट्ज के ब्रिक्स यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही करो, आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से, आपको जो भी ब्रिक्स जो भी डिज़ाइन जो भी स्टोन पसंद आए जो भी लकड़ी पसंद आए वो सब आप लगा सकते हो। अब देखो इस वीडियो में आपको मैं सारी मेथड भी बताऊंगा, वर्किंग सिस्टम, ये सब जो गेट है ना ये वर्क कैसे करता है, और हमने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, वो सिर्फ बना बना के बता देते हैं। लेकिन यार आपका जानना बिल्कुल ज़रूरी है यहाँ पे कि आप अगर गेट बना रहे हो तो वो गेट वर्क कैसे कर रहा है वो आपका जानना ज़रूरी है। तो मैं आपको सबसे पहले तो बता देता हूँ कि ये जो है ना ये स्टिकी पिस्टन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से मतलब वर्क करते, मतलब अगर इनको पावर मिल जाती है ना तो ये जो पिस्टन है खुल के बाहर आ जाता है, इतना तो आपको बेसिक ये बहुत ही तो पता होगा।
अब अपनों ने क्या किया, अपनों ने इसके आगे तीन ये लगा दिए ब्लॉक। तो क्या होगा, जब भी ये स्टिकी पिस्टन खुलेंगे ना तो इधर के ब्लॉक भी आगे आ जाएंगे और इधर के ब्लॉक भी आगे आ जाएंगे, तो ये गेट लग जाएगा, बंद हो जाएगा है ना। अब अपने क्या करना है, इसको सबसे पहले अपने को इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। अपन डिजाइनिंग बिल्कुल लास्ट में देखेंगे, मतलब जो डिज़ाइन रहती है ना इस पूरे डोर की, इस पूरे दरवाजे की जो डिज़ाइनिंग रखेंगे वो पूरा एंडिंग में रखेंगे अपन। पहले इस दरवाजे को बना लेते हैं। और ये सब भैंसे में से आप कहाँ से आ रहे हो, हट जाओ बे, मेरे पास तलवार है, खैर वो बात अलग है, मैंने क्रिएटिव में से बनाई इसको, लेकिन हे बस। अब गाइस यार, अब आते पॉइंट की बात पे कि इन तीनों को अपने को एक इलेक्ट्रिसिटी देनी है मेन एंट्रेंस से, ठीक है। मतलब अभी अपन पहले, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी पहले बना रहे हैं अपन इसको बाहर की साइड से अंदर जाने के लिए, तो समझ लो कि ये अपनी बाहर की साइड है, ठीक है। मतलब इधर से अपन अंदर जाएंगे तो सबसे पहले इसको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी अपने को। और इलेक्ट्रिसिटी देने के काम आता है अपनी जो रेडस्टोन डस्ट होती है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी देती है। तो अब अपने को इलेक्ट्रिसिटी कुछ इस हिसाब से देनी है कि अपने को तीनों पिस्टन को इलेक्ट्रिसिटी अपन दे पाए आराम से, ताकि क्या होगा, तीनों अगर पिस्टन में इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी तो भैया ये जो पिस्टन है ना खुल जाएगा और दरवाज़ा अपना लग जाएगा। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे रखूँगा तो इलेक्ट्रिसिटी लग नहीं सकती। तो अब यहाँ पे अपन इन्हीं ब्रिक्स का यूज़ करेंगे थोड़ा सा, मतलब अच्छे से, और कुछ दो इस तरीके से ब्रिक्स लगा देंगे अपन। अब देखो होता क्या है, अब अपन मैं इसके ऊपर डालूँगा तो इससे ये वाला जो क्या बोलते हैं इसको, ये ऊपर वाला जो स्टिकी पिस्टन है ना, ये इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। अब दूसरा मैं इस पर डालूँगा, ठीक है, और तीसरा डालूँगा। आप सोच रहे होंगे कि ये बीच के दो तो वर्क हुए ही नहीं, तो देखो ये जो बीच वाला है ना ये तो बिल्कुल वर्क कर जाएगा इससे, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है। मतलब ये जो बीच वाला ब्लॉक पे जो अपनों ने ये लगा रखी ना रेडस्टोन डस्ट, इसे कनेक्ट कर लेगा। लेकिन अब बात करते हैं नीचे वाले को, नीचे वाले को कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे डालनी है, और सॉरी गलत डाल दी मैंने, यहाँ पे डालनी है। तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा और आपको एक ब्लॉक आ गया कि यहाँ पे ये डाल देना, और इसको मैं उठा लेता हूँ फिर से, और जैसा इधर किया आपने, ठीक है, एज इट इज़ अपने को इधर करना है यहाँ पे आके, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्लॉक लगा देता हूँ, ये दो लगा दिए, सॉरी मैंने गलती से, ओके भाई, और यहाँ पे लगाते हैं, बहुत बढ़िया। और फिर से मैं रेडस्टोन डस्ट लेता हूँ और इसके ऊपर डालता हूँ इसको, इसके ऊपर डालता हूँ इसको, और किधर उस साइड से, इधर साइड से किया था ना, ओके, इधर इधर और इधर, ये हो चुका है कनेक्ट। और एक और इसको तोड़ता हूँ और एक और दे देता हूँ, बहुत ही बढ़िया, ये हो गया है अपना काम। यहाँ पे अपना काम बिल्कुल अच्छे से बन चुका है। अब अपने को क्या करना है कि इसको, मतलब अपने को ऐसा करना है। अब देखो ये क्या होगा, ये अपनों ने सिर्फ, अपनों ने एक, मतलब अपन बोलते हैं ना जैसे करंट फ्लो करने के लिए जो अपन तार बिछाते हैं ना, तो वही समझ लो कि अपनों ने तार बिछा दिए, मतलब अच्छी तरीके से, और तीनों स्टिकी पिस्टन को अपनों ने इन तारों से कनेक्ट कर दिया है, और फाइनल आउटपुट अपना आ रहा है इस जगह पे। अब अपने को इसको किसी तरह इलेक्ट्रिसिटी देनी है यहाँ पे, और इलेक्ट्रिसिटी देने के काम आती है रेडस्टोन टॉर्च। और अगर अपन रेडस्टोन टॉर्च डायरेक्ट ऐसे दे देंगे तो ये देखो ये बिल्कुल वर्क कर चुका है अच्छे से, और ए सिंपल एज डेट यहाँ पे देंगे तो ये वर्क कर चुका है। लेकिन अपनों को सिर्फ ऐसे इलेक्ट्रिसिटी देनी नहीं है, अपनों को ऐसा करना है कि अपन जब यहाँ पे इस गेट के पास में आए, मतलब सेंसर टाइप काम करना चाहिए गेम, जैसे अपन इस गेट के पास में आएंगे और अपनी इलेक्ट्रिसिटी वर्क करेगी ऑटोमेटिक, और ये गेट अपने आप खुल जाएगा। खैर अभी तो ये बंद हो रहा है लेकिन ये खुलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो इसको खोल, बंद करते और यहाँ पे एक ब्लॉक लगाते अपन, ठीक है, गलत लगा रहा हूँ मैं, ओके, और ये यहाँ पे ब्लॉक लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ओपी, और इस ब्लॉक के ऊपर लगा देंगे अपन रेडस्टोन टॉर्च, जिससे कनेक्ट कर लेगा इजीली। और जो हुक है अपना, अब यहाँ पे जो ट्रिप वायर हुक है इसको लगाना है इस जगह आपको, ठीक है। और जो अपनों ने इधर मेथड अप्लाई की, सेम टू सेम मेथड अपनों को यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो इसको तोड़ते यहाँ पे नहीं सॉरी ओके इसको तोड़ते और यहाँ पे लगाते इसको एक ब्लॉक आगे, ओपी, बहुत ही बढ़िया, ओपी, ओसम। मतलब बीच में से एक जगह छोड़ देनी है और इस जगह आपको लगा देनी रेडस्टोन टॉर्च। आप सोचेंगे कि ये एक जगह क्यों छोड़ी, अपन डायरेक्ट भी तो रेडस्टोन टॉर्च लगा सकते हैं। तो भैया देखो, जो अपन जब अंदर से बाहर आएंगे ना तब उसके लिए भी अपने को एक जुगाड़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डे कर देता हूँ यार, नाइट में अच्छा नहीं दिख रहा ये, तो डे तो कर ही सकते यार, इतनी सी चीटिंग तो कर सकते हैं अपन। घोड़े भैया निकल जाए यहाँ से, और तलवार काफ़ी पावरफुल है लेकिन मर क्यों नहीं रहा है भाई, वो चलो पानी में गिर गया, चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब यार जिस तरह अपने ने इधर एक हुक लगाया था, सेम टू सेम अपने को यहाँ पे हुक लगाना है, और बस यहाँ पे अपने काम आएगी। अब स्ट्रिंग काम आती है कि अगर अपन जब स्ट्रिंग के ऊपर से निकलते ना, देखो मैं पहले आपको बिछा के बताता हूँ, तो इस तरह से देखो दिख भी नहीं रही होगा आपको, लेकिन ये बस बिछ जाती है, मतलब अगर आप बिछाओगे इसे तो ये लग जाती है। और ये देखो स्ट्रिंग कनेक्टेड हो गई, अब जैसे मैं स्ट्रिंग के ऊपर जाऊँगा और ये देखो ये गेट खुल गया अपना, और जैसे स्ट्रिंग के से हटूँगा मैं और ये गेट फिर से लग जाता है, और जैसे मैं स्ट्रिंग के ऊपर जाऊँगा, अब देखो ये वर्क कैसे कर रहा है, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे अपनों ने रेडस्टोन टॉर्च लगा रखी है, तो इससे क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट फ्लो हो रहा है स्टिकी पिस्टन में, तो उससे क्या होगा कि गेट लगे हुए हैं अभी, ठीक है, स्टिकी पिस्टन खुला हुआ है पूरा और गेट लगे हुए हैं। अब अपन जैसे ये जो अपनों ने एक ट्रिप वायर बिछा रखी है ना, एक स्ट्रिंग जो एक वायर बिछा रखी है, अब अपन जैसे इस वायर के ऊपर आएंगे तो इससे क्या होगा, ये जो वायर है नीचे दबेगी और वो जो हुक है वो नीचे हो जाएंगे, ठीक है, वो मतलब एक तरह से ट्रिगर का काम कर रहा है। तो हुक जैसे ही अपन इसके ऊपर आएंगे, इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा इस तार के ऊपर, और वो हुक थोड़ा सा नीचे आएंगे और वो वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बंद कर देंगे। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बंद होगा,
रहा दोनों तरफ से, तो स्टिकी पिस्टन अपने आप बंद हो जाएंगे और गेट खुल जाएगा। और अपन जैसे यहाँ से हट के पास में जाएंगे और भैया फिर से जैसे इधर आएंगे अपन, और ये अपना गेट फिर से लग चुका है। अब चलो अब बात करते हैं कि चलो बाहर से अपन अंदर तो आ गए, अब लेकिन अंदर से बाहर कैसे जाएंगे, यही तो बड़ा मतलब वो बनता है लॉजिक। तो यहाँ पे अपने काम आने वाले हैं ये भैया, क्या है, रेड स्टोन रिपीटर। ये बहुत अच्छे से काम आएगा यहाँ पे। सो गाइस यार आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने वो ही ब्लॉक्स ले लेने जो भी ब्लॉक्स आप यूज़ कर रहे हो अभी तक, या फिर चाहे आप जो भी ले सकते हो कुछ भी ले सकते हो, ए सिंपल एज डेट, मेरा कहने का मतलब यही है। आपको क्या करना है कि इस जगह से ये जो है ना गेट, इससे बस एक और दो दूसरे ब्लॉक पे, आपको तीसरे ब्लॉक पे ये रख देना है, और ए सिंपल एज डेट इधर भी सेम टू सेम ये रख देना है आपको। ये रख दिया है अपनों ने, बहुत अच्छा। इसके ऊपर अगेन अपनों को हुक वायर लगाना है, इधर भी, और इसको कनेक्ट कर देना है अपनों को फिर से स्ट्रिंग से, जो कि मैं कर रहा हूँ, और ये गलत लग गई थोड़ी सी, यहाँ पे इसको हटाते और यहाँ से कनेक्ट कर देते, और ये स्ट्रिंग से बिल्कुल कनेक्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि इधर साइड आना है जिस साइड, और भाई यहाँ पे थोड़ा ओ गया गया गया, ये ही तो गलत मिस्टेक हो गई है। एक सेकंड बाहर निकलता हूँ यहाँ पे, और भैया ये थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है अपने को, तो इसको बंद कर देता हूँ मैं। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अभी अपने पास ब्लॉक तो है नहीं, अपने पास डस्ट के, तो क्या कर सकते हैं, इसे बंद करना पड़ेगा अब अपने को। तो अब क्या करना है आपको, अब आप ये देखो ये भेड़ आया और वो गेट खुल गया अपने आप। तो ये भेड़ वेड़ अगर आपके घर है तो वहाँ पे तो वैसे भी नहीं आएंगे, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब क्या करना है कि ये जो ब्लॉक है ना, जो आपकी मेन फ्रंट एंट्रेंस का जो गेट है, यहाँ पे आना है और आपको यहाँ पे रखना है एक रिपीटर, एंड देन इसको फिर से कनेक्ट कर देना है आपको ऐसे 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 और ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे, और ये बीच में रह गया ये ऐसे, ओ पी गाइस ये ऐसे हो गया, और इसको कनेक्ट कर दिया आपने बहुत अच्छे से, और सिंपल इज दैट इधर से भी कनेक्ट करना। और भैया बेड हट गया, देखो क्या मस्त तलवार है अपने पास में, एक एक में निपट गए वो। और आपको रेड स्टोन रिपीटर सिर्फ दो लगेंगे यहाँ पे, एक उधर साइड और एक इधर साइड। रेड स्टोन रिपीटर क्या करता है, आपकी जब डेटा मतलब डेटा फ्लो हो रहा है, मतलब डेटा एक्टिवेट है, तो जब इधर से स्ट्रिप वायर के ऊपर से निकलेंगे और ये हुक जैसे नीचे होंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक इसको रिवर्स कर देगा, और उधर से जो वो जो अपना रेड स्टोन वो लगा हुआ है ना टॉर्च, उसको बंद कर देगा, वहाँ से करंट फ्लो करना बंद कर देगा। तो सिंपल इज डेट, अपने को बिना उधर जाए इधर से अपने दरवाजे खुल जाएंगे, तो अपने को बस कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से लेके यहाँ 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 और यहाँ पे, और यहाँ पे कनेक्ट करना है। और अब देखो अपन देखते हैं कि अपना ये वर्क करता है या फिर नहीं। और जैसे अपन यहाँ आते, और जैसा कि आप देख सकते हो कहाँ गया भैया, ओपी ये देखो वर्क कर रहा है, ठीक है। एक मिनट, ये इधर वाला वर्क क्यों नहीं कर रहा है भाई, ये मेरे को समझ में नहीं आया थोड़ा सा। ओके गाइस, तो प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने ना ये गलत लगा दिया, तो इसको यहाँ से कनेक्ट करते हैं, और ये जो रेड स्टोन रिपीटर है ना उसको इधर साइड में लगाना, मतलब जिस साइड में आपने आपकी एंट्रेंस रहेगी ना उधर साइड में आपको इसको लाके लगाना है। अब देखो ये हो चुका है अपना गेट बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी, और अब देखो मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप इधर से निकलोगे इसे भुचुक करके गेट खुल जाएगा आपका, भुचुक करके खुलेगा आई मीन, और जैसे भी इधर से आप बाहर निकलना चाहोगे तो जैसे आप इसके ऊपर आओगे और ये आपका गेट खुल चुका है, ठीक है। इतनी जगह काफ़ी होती है, और अब आप चाहो तो देखो ये छुपा दो आप, ठीक है, छुपाने से काफ़ी अच्छा लगता है ये इस तरीके से। सो गाइस यार देखो ये गेट अपना बिल्कुल रेडी हो चुका है, और इसके आगे की प्रोसेस मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप अपनी चाहे मन की जो भी डिज़ाइन दे सकते हो। और जिस तरीके से यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर के गेट यूज़ करे, आप यहाँ पे गेट भी ग्लास वगैरह के किसी भी चीज़ के यूज़ कर सकते हो। मेन टॉपिक था अपना गेट का इनसाइड आउटसाइड दोनों तरफ से वर्क करना, और ये गेट अपना दोनों तरफ से वर्क कर रहा है। देखो अंदर घुसे अपन मस्त वाले, और फिर इधर से जब अपन बाहर निकलना चाहेंगे तो वो निकल जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ी स्पीड रखनी पड़ेगी। पता नहीं अभी मैं इतना दौड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, मतलब मैं काफ़ी धीरे दौड़ रहा हूँ, मतलब आई मीन काफ़ी धीरे से चल रहा हूँ मैं, आई डोंट नो व्हाई। ओके गाइस, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं माइनक्राफ्ट से रिलेटेड ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। और भैया ये आ चुका है, और इसने थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया है अपना, लेकिन कोई बात नहीं, अपना गेट वर्क कर चुका है, तो बाय बाय।